बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, क्या हाल है आपका? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगी। मैं भी अल्लाह के फजल से ठीक हूँ। मैं जो आज रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है चिकन के चपली कबाब। उसमें जो चीज़ें जाएंगी वो हैं चिकन का कीमा हाफ के जी, एक प्याज चॉप्ड, एक टमाटर चॉप्ड, और फाइन के लिए ऑयल चाहिए, और अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए 2 टीस्पून, और 2 हरी मिर्चें छोटी छोटी काट लें, धनिया जो है वो भी छोटा छोटा काट लें चॉप कर लें, और उसके साथ स्पाइसेस चाहिए मुझे, 1 टीस्पून रेड मिर्च का पाउडर चाहिए, और कुटी हुई मिर्चें 1/2 टीस्पून चाहिए, 1.5 टीस्पून सॉल्ट चाहिए, ब्लैक पेपर चाहिए 1/2 टीस्पून, और धनिया कुटा हुआ चाहिए तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसके साथ बहुत मज़े के बनते हैं, कूट लें इसको। और ज़ीरा चाहिए तकरीबन 1 टीस्पून चाहिए, ये भी कूट लें, और इनको मिक्स कर लें। आइए हम शुरू करते हैं, मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ें डाल के। हाथ की मदद से हाथ धो लें पहले। प्याज डाल लें इसके अंदर, टमाटर भी ऐड कर लें, धनिया, सब्ज मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, और आप स्पाइसेस ऐड कर लें सारे। आप हाथ की मदद से हाथ वॉश कर लें अच्छे से। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है आपने। जितना अच्छा मिक्स होगा उतने अच्छे कबाब बनेंगे आपके, टूटेंगे नहीं और बहुत मज़े के सॉफ्ट और जूसी से बनेंगे। आप चाहें तो बीफ का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर आपको स्पाइसेस कम ज़्यादा हैं तो आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, अगर आप जितना पसंद करते हैं। ये बिल्कुल सिंपल से होते हैं, कोई इसमें वो नहीं है, बाजारी मसाले वगैरह नहीं जाते हैं, तो बहुत मज़े के बनते हैं। फुल फ्लेवर होता है इसका अपना। अच्छे से इसको गूंद लें, जैसे आटा गूंदते हैं इसलिए अच्छा जोर लगा के गूंदें। चलें हम आप शुरू करते हैं, फ्राई करते हैं कबाब को। ये थोड़ा सा ऑयल लगा के हम कबाब अपना बनाएंगे, जितना आपको साइज पसंद है उतना कर लें। ये इतना मैं बना रही हूँ, थोड़ा सा फ्राई होके छोटा भी हो जाता है, तो आप इस हिसाब से बना लें आपको जौन सा साइज पसंद है। ये हम फ्राई कर रहे हैं, ऑयल को अंदर आप फ्राई कर लें। साथ साथ आप और बनाते हैं लेकिन उसे फ्राई होती है, इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना वरना वो जूसी नहीं जाते इसमें। देखते हैं ये तकरीबन 1 से 2 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में, लेकिन हम चेक करते हैं आपकी आंच कैसी है और इस हिसाब से वो उसको देखा। इसको थोड़ा सा आपने और फ्राई करना था, अपनी आंच देख लें, बहुत ज़्यादा तेज नहीं होनी चाहिए। देखें अगर जगह बन चुकी है तो एक और डाल दें साथ। हाँ जी, मैं आप देख रही हूँ काट दिया इसमें, फिर इसके बाद दूसरे चटनी में हमने अपने
बाप डिश आउट कर लिए हैं, आप देख सकते हैं बहुत मज़े के बने हैं, बहुत सॉफ्ट मॉइस्चर और अच्छे बने हैं, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। प्लीज़ आप पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा, मेरी वीडियो को शेयर करिएगा अपने फैमिली मेम्बर के साथ और मुझे बताइएगा कि कैसे बने हैं। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।